न्यूज टुडे लाइव में आपका स्वागत है। स्थानीय उम्मीदवार ने मतदान केंद्र पर दबंगई की हद पार कर दी। मुजफ्फरपुर जिला के कुरहनी प्रखंड पंचायत दरियापुर कफेन संख्या 4 में बूथ संख्या 48 एवं बूथ संख्या 49 पर दरियापुर कफेन के पूर्व मुखिया रामेश्वर कुमार सह मुखिया प्रतिनिधि, हम लोग इस चुनाव में 10 कैंडिडेट थे। इसमें दरियापुर कफेन पंचायत के ग्राम मादापुर बूथ संख्या 48 और 49 पर वहां के स्थानीय प्रत्याशी अनीता देवी के पति महेश राय वगैरह मिलके और वहां के पीठासीन पदाधिकारी के सहयोग से जबरन बूथ पर कब्जा करके 95% वोटिंग करा लिए हैं। और जो भी दूसरे कैंडिडेट के वहाँ पुलिस एजेंट थे उनके भय से वह सही जानकारी किसी कैंडिडेट को नहीं दिए। जब हम लोग को जानकारी हुई, अब हम सरकार से मांग करते हैं ये इसकी जांच हो। 95-96% पोलिंग कैसे हुआ, बायोमेट्रिक का वहाँ इस्तेमाल नहीं किया गया। तत्काल जो है अभी दरियापुर कफेन पंचायत का काउंटिंग रोकने का आदेश निकाला जाए। रामेश्वर भाई जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। मैं कुरहनी 25 से जिला पार्षद प्रतिनिधि बोल रहा हूँ। दरियापुर कफेन पंचायत में मैदापुर के 1 नंबर और 2 नंबर वार्ड के 48 और 49 बूथ नंबर वहाँ बायोमेट्रिक का ऐसे उपयोग नहीं किया गया और बूथ को जैसे कि जब पूर्णतः छाप लिया गया, लगभग 94-95% वहाँ वोटिंग हुआ है जो बिल्कुल गलत हुआ है। हम इसकी जांच की मांग कर रहे हैं और इसका ऐसे कि सही जांच किया जाए। जो भी गड़बड़ी कल आप लोग विरोध क्यों नहीं किया? कल हम लोग को पता नहीं चला इस बारे में। वहाँ ऐसे कि एक तरफा वोटिंग हुआ, जो भी लोग वहाँ थे, हमारे भी पोलिंग एजेंट वहाँ पर थे, लेकिन उससे भी ऐसे कि हमको सही जानकारी वहाँ का नहीं मिल पाया। किन पे आरोप लगा रहे हैं गड़बड़ी का? वहाँ पर के जो मुखिया के कैंडिडेट हैं महेश राय, वही वहाँ का अनीता देवी, और वहाँ पर जैसे कि जो अफरोज जो है अथी है उनका क्या है कैंडिडेट, जिला परिषद 25 के प्रत्याशी जो हैं अफरोज आलम की पत्नी, यही लोग वहाँ पर एक तरफा वोटिंग करवाए। कहीं शिकायत की आप लोगों? हाँ, हम लोग शिकायत किए हैं DM को, जैसे कि जो पिटीशन दिए हैं, SDO को दिए हैं और आगे भी इसका कार्रवाई चाहते हैं। क्या चाह रहे हैं भैया? सही इसका ऐसी जांच हो, जो गलत बिल्कुल गलत हुआ है, मरा हुआ आदमी का भी वहाँ ऐसे कि जब वोटिंग वो बूथ को कैंसिल किया जाए। हम लोग इसका समर्थन करते हैं, हम लोग इसका समर्थन करते हैं। निर्वाचन आयोग है, समर्थक पूरा समाज है।